तहरीक उलमाए हिंद की ओर से अमरावती के पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कोल्हापुर के विशालगढ़ और गाजापुर में हुई हिंसा की निंदा की गई, साथ ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुसलमानों और मस्जिदों पर हमला करने वाले उपद्रवियों तथा सकल समाज संगठन और संभाजी राजे नेतृत्व में बिना किसी अनुमति के मोर्चा निकालने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि कोल्हापुर में मोर्चा निकालने वालों से ज्ञापन में कहा गया कि मोर्चा निकालने से पहले स्थानीय मुस्लिम समाज की बुद्धिजीवियों ने प्रशासन को सूचित किया था कि मोर्चा निकालने वाले लोग समाज कंटक है और वो उन पर हमला कर सकते हैं, उपद्रव मचा सकते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रशासन ने इन लोगों के अनुरोध की अनदेखी की और कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। परिणाम स्वरूप मोर्चे में शामिल समाज कंटकों ने मुस्लिम समाज पर हमला किया। इस हमलों में मस्जिद, दरगाह, मोटरसाइकिल, कारों और घरों की तोड़फोड़ की गई और कई घरों को जला दिया गया तथा बच्चों और महिलाओं को पीटा गया। ज्ञापन में मोर्चे में शामिल सभी गुंडों के अमानवीय व्यवहार की निंदा की गई और छत्रपति संभाजी राजे और सभी उपद्रवियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर तहरीक उलमाए हिंद के राष्ट्रीय संयोजक मौलाना रहमत नदवी, जिला अध्यक्ष मुफ्ती नदीम नदवी, शहर अध्यक्ष हाफिज अहमद इशाती, प्रवक्ता मौलाना मुबशिर इशाती, मौलाना नासिर हुसैनी, मौलाना साबिर हुसैन मजाहरी, मौलाना मुजम्मिल, हाफिज मुजीब, हाफिज सोहेल, तौहीद रब्बानी, मुदस्सिर खान, समीर खान, सलीम सागर, जुबैर अली उपस्थित रहे। आज तहरीक उलमाए हिंद अमरावती की जानिब से अमरावती पुलिस कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कोल्हापुर, विशालगढ़ और गाजापुर के अंदर जो इंसिडेंट 14 जुलाई को घटा है, जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय की बस्ती को भी निशाना बनाया गया और साथ ही साथ दरगाह को और मस्जिद को भी निशाना बनाया गया, उसका हम सख्त तौर पर अल्फाज में निषेध भी करते हैं। और हमने माननीय आयुक्त साहब के माध्यम से हमने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और साथ ही साथ हमारे होम मिनिस्टर तक हमने ये निवेदन भेजा है कि जिन लोगों ने सकल हिंदू समाज की जानिब से जो मोर्चा निकाला गया था और उसका जो नेतृत्व कर रहे थे संभाजी रानी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जिन गुंडों ने मस्जिद को तोड़फोड़ की है और जिन गुंडों ने दरगाह को तोड़ा है और जिन गुंडों ने मुस्लिम समुदाय की बस्ती के अंदर तोड़फोड़ की है, ऐसे तमाम गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यूपीए के तहत उन पर मामला दर्ज किया जाए, ऐसी मांग हमने आज अपने निवेदन के अंदर की है। इसी सिलसिले में तहरीक उलमाए हिंद आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस आई। आज तहरीक उलमा शहर और ज़िला अमरावती की जानिब से एक मेमोरेंडम लेकर के हम कमिश्नर ऑफिस में आए हैं। उसका उद्देश्य तो बता दिया गया है कि जो कोल्हापुर और जो उसके अतराफ में जो घटना घटी है उसके मुतालिक जो निवेदन हमने यहाँ से सीपी साहब के माध्यम से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी को हमने पेश किया है। इसी के साथ साथ हमारा ये आह्वान है पूरे सूबे के अंदर और पूरे इलाके के अंदर कि भाई ये जो घटना हुई है इसको कानूनी लेवल पर गवर्नमेंट भी फेस कर रही है और शासन प्रशासन भी फेस कर रहा है और धार्मिक लोग भी इसके ऊपर मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। तमाम ही समाज के लोगों से तहरीक उलमाए हिंद ये अपील करती है कि शांति और अमन का माहौल बना करके रखे, किसी भी तरीके के वीडियो से मुतासिर ना हो, किसी भी तरीके की खबरों से मुतासिर ना हो, बल्कि अपने इलाके के उलमाए किराम की निगरानी में सब कामों को अंजाम दिया जाए और अमन और शांति और बिल्कुल सुकून और इत्मीनान का माहौल अपने इलाकों के अंदर बरकरार रखे, यही तहरीक उलमाए हिंद की अपील आप लोगों से की जा रही है। और जो आज का यहाँ पर मेमोरेंडम देने के एतबार से हमारा जो काम हुआ है वो मेमोरेंडम जो दिया गया है उसका उद्देश्य भी बता दिया गया है और उसके ऊपर इंशाल्लाह कार्रवाई की मांग की गई है।